नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम्स का पेपर। जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और आपने जो क्वेश्चन करके आए एग्जाम में उनको मिलाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खंड ए मतलब पहले भाग में जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब इस तरह के 10 प्रश्न हैं जिनके आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक उत्तर सही होगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखो, अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, 7 अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, 7 प्लस अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर सही होगा द। द मतलब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। मतलब इसका आपको सीधे सूत्र निकालना होता है, तो इसका सूत्र ये बी वाला सही है। ठीक है, तीसरा समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 को संतुष्ट करने वाले युग्म है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी गलत है। अगर इसको रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो मतलब इसका ये सही उत्तर सही होगा। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें सही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, पांचवा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और पांचवा पद 17 है तो 5 पदों का योग। देखो, मैं यहां पर हल करके बता रहा हूं, यहां पर हमको s5 निकालना है ना, तो मैं सीधे सूत्र में रखकर कर रहा हूं, a प्लस an, a का मान है 5 और an का मान है 17, 17 और 5 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11, 11 गुणा 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 55। ठीक है, 55 कौन से में है, ए में सही है, तो अपना इसका उत्तर होगा 55। छठा सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 का 4 और 81 का 9, तो यहाँ पर होगा 4:9। सातवां सवाल देखो, बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो, वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स अक्ष के मान के बराबर होती है, तो इसका सही उत्तर सही होगा। आठवां, यदि साइन थीटा बराबर 2/√3/2 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखो, साइन थीटा कोसेक थीटा उल्टा होता है, इसलिए इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 2 ऊपर √3 नीचे, तो इसका बे ऑप्शन सही होगा, ये वाला उत्तर सही है। नवां सवाल, 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो, वैसे तो सीधे सीधे निकालना चाहो तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन हम इसको निकाल के बताते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर 2πr सूत्र होता है, 2π का मान 22/7 और r का मान 3.5 है, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2। देखो, 2 से 2 कट गए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास में बचेगा 22 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर 22 सेंटीमीटर होगा, इन चारों में से कोई भी उत्तर नहीं है। ठीक है, दसवां प्रश्न देखो, यदि 5, 7, 9 और x का माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। देखो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 9 को का माध्य 9, मतलब इन चार संख्याओं का, चार संख्याएं हैं और तो 9 गुणा करेंगे 4 से, 9 से 36। अभी तीन संख्याओं को जोड़ेंगे और 36 में से घटा देंगे, 9 और 7 16 और 5 21, 36 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 15 बचेगा। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर होगा 15। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जो संख्या ऋणात्मक होती है ना, वो कभी भी किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बे ऑप्शन इसका सही है। साइन 18/cos 72 का मान क्या होगा। देखो, साइन 18 को 18 रहने देते हैं, कोस 72 को हम साइन 18 के रूप में बदल देते हैं, तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, साइन क्या हो जाएगी, साइन 18 हो जाएगी, तो साइन 18 में साइन 18 भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये इसका सही आंसर होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला रिक्त स्थान ये है, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समरूप। दूसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2। तीसरा प्रश्न, 10.5 सेंटीमीटर लंबे रेखा खंड को 2:1 में विभाजित करने पर दोनों भागों की लंबाई क्या होगी। देखो, यहां पर 10.5 में अगर हम इन दोनों को योग कितना होता है, 3 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 का भाग देने पर 3.5 आता है, तो पहले की तो आएगी यहां पर
3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, और दूसरे की आएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ एक होती है, ठीक है। एक कैसे, एक वृत्त ये रहा, दूसरा ये रहा, तो एक ही बिंदु पर ये दोनों की एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, बाकी और किसी बिंदु पर ये नहीं मिलते। पांचवा बिंदु, बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहां पर आप देखोगे इसको तो ये आता है, देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। तो यहां पर ये मान होगा माइनस का, तो एक्स यहां पर और ऊपर का एक्स का मान, ये वाई का मान यहां पर ऊपर की ओर होगा इसमें, तो यहां पर स्थित होगा ये। इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। छठा बंटन, 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या है, तो देखो 4 यहां पर 3 बार आ रहे हैं, बाकी 3 2 बार आ रहे हैं, 2 1 बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है, 5 भी 1 बार आ रहा है, ठीक है, और 1 1 बार आ रहा है। इसका मतलब 4 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो पहला सवाल देखिए, 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, 12 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम हम लेंगे सबसे बड़ी बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, 5 की सबसे बड़ी घात 5 ही है, और 7 की सबसे बड़ी घात 7 है। अब इनको गुणा करेंगे तो 7 × 35, 5 × 2 = 70, 35 = 105, 105 2 × 4, 4 × 105 करेंगे तो क्या होगा, 420, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम तीसरे सवाल में। एक द्विघात समीकरण का बहुपद लिखे जिसके शून्य को योग और गुणनफल क्रम से 4 तथा 1 है। तो यहाँ पर बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है x² - α + β x + α β, है ना। तो यहाँ पर x² - α + β मतलब शून्य को योग 4 दे रखा है, 4x, और यहाँ पर इनका गुणनफल 1 दे रखा है, +1, ये हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, इस स्थिति को रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। माना 1 kg सेब का मूल्य ₹x तथा 1 kg अंगूर का मूल्य ₹y है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 2x + y = ₹160, ये समीकरण बन गया, ठीक है। ये तीसरा सवाल हो गया, तीसरे में 3, अब चौथे भाग की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखो, 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1 को द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखिए। देखो पहले हम इनको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर क्या होगा, 2x² - 3 × 6x - 1 से गुणा करेंगे इसको तो -x, और -1 से -3 × तो +3 = यहाँ गुणा करने पर क्या होगा, x² - x + 5x - 5, ठीक है। सारी संख्याओं को एक तरफ ले आओ, 2x², ये x² इधर आकर -x², ये -7x होंगे, और देखो यहाँ पर इनको हल करने पर ये होगा +4x, इधर आकर ये -4x होगा, ये +3, ये -5, इधर आकर +5 हो जाएगा, ₹0। तो देखो यहाँ पर इनको हल करने पर ये होगा x², इनको हल करने पर हो गया -11x, और इनको हल करने पर ये होगा +8 = 0। ये मानक रूप में हो गया समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। पांचवा, एक समान श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 का 300 पद क्या होगा। देखो यहां पर हमको an का सूत्र लगाकर a + n - 1 d निकालना होगा। a 30 = a का मान यहां पे 10 है, प्लस n का मान 30 है, -1 d का मान देखो 7 में से 10 कटाएंगे तो -3 होंगे, ठीक है। हल करेंगे 10 + 29 × 3 करेंगे तो 29 × 3 करने पर क्या होगा, 87 - 87, ठीक है। अब देखो -87 + 10 तो हल करने पर होगा -77, ये होगा इसका 30वां पद, ठीक है। अब छठा सवाल देखो, बिंदु 7, 1 और 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है x = x1 + x2 /
एक्स टू बटे दो। तो इस सूत्र से निकालेंगे तो 7 + 3/2 मतलब 10/2 बराबर 5। एक्स निर्देशांक तो ये हो गया, वाई का निकालेंगे तो y1 + y2/2 मतलब 1 + 5/2। तो ऊपर तो हो जाएगा 6, नीचे होगा 2, तो 6 में 2 को भाग देंगे तो 3, मतलब उस बिंदु निर्देशांक क्या होंगे 5 और 3, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, सातवां सवाल देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए जहां 2a एक न्यून कोण है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखो बहुत आसान सवाल है और एक मिनट के अंदर हो जाता है। tan 2a को क्या बदल सकते हैं हम, tan 2a को cot के रूप में बदल सकते हैं, cot 90 - 2a बराबर cot a माइनस 18। कोट से कोट काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 90 - 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, अब देखो हम 18 को तो इधर ले आते हैं, इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 90 + 18, ये a अपनी जगह पर है, ये 2a इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास में 3a और यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा 108। ठीक है, आगे देखो अब a बराबर क्या होगा, 108 में हम किसका भाग देंगे, ये 3 नीचे चला जाएगा 3, तो कितना भाग जाएगा, 3 × 9 बचे 1, 18 हो गए 3 × 18 36 डिग्री। यहाँ पर a का मान क्या होगा, 36 डिग्री है। ठीक है, a का मान ज्ञात करना था। ये अब आठवां सवाल देखिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ज्ञात कीजिए, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, सिर्फ सूत्र ही लिखना है, तो सूत्र होगा यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ये सूत्र होता है। नौवां सवाल देखो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। ठीक है, तो यहां पर देखो कुल कंचे कितने हैं, 5 + 8 + 4 तो कितने हो गए, 8 × 4 = 12 और 5 = 17, कुल 17 कंचे हैं। ठीक है, लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं इसमें 5। ठीक है, यहां पर प्रायिकता पूछ रहा है किसकी, लाल कंचा आने की प्रायिकता, लाल कंचा आने की प्रायिकता। पहले सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये तो सूत्र होता है। अब इसको निकालना चाहें तो अनुकूल परिणाम कितना है, 5 और कुल परिणाम कितने हैं, 17, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दसवां देखिए, sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे मान रखते हैं, sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा cos 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 होता है गुणा cos 60 का मान भी 1/2 होता है। अब इसको हल करते हैं, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 लघुतम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4/4, इसका उत्तर क्या होगा, 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए खंड ब की तरफ चलते हैं, खंड ए में सारे सवाल एक एक नंबर के थे, अब यहाँ पर सारे सवाल 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दे रखा है, चौथा सवाल, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले तो हम 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो यहाँ पर कर देता हूँ, 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 और 3 × 1। ठीक है, मतलब 6 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम 2 × 3। अब 72 लिखेंगे, 72 के गुणनखंड करता हूँ मैं यहाँ पर, 72 2 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 18 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 9 बार जाएगा, अब 3 का जाएगा तो 3 बार, और 3 का यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3 बार, और 3 की घात कितनी है, 2। इसी तरीके से 120 का भाज गुणनखंड मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो 2 का भाग देंगे 60 बार जाएगा, फिर 2 का जाएगा 30 बार, फिर 2 का जाएगा 15 बार, 15 में 2 का नहीं जाता, 3 का देना पड़ेगा, तो 5 बार जाएगा और 5 का 1 बार, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है।
अब यहाँ पर हमारे पास में ये तीनों के हमने वाजिब गुणनखंड लिख लिए। अब यहाँ पर आपको एच सी एफ और एल सी एम निकालने हैं, तो देखो मैं एच सी एफ निकाल रहा हूँ इसका और एल सी एम दोनों साथ साथ निकालूंगा। एच सी एफ में ली जाती है सबसे छोटी घात, ठीक है, तो इन सब में जो कॉमन हो सबसे छोटी घात हो, तो देखो दो की सबसे छोटी घात इन तीनों में कौन सी है, ये है दो। तीन की सबसे छोटी घात क्या है, तीन है। पांच की सबसे छोटी घात जीरो है, ठीक है, मतलब ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, छः, छः इसका एच सी एफ हो जाएगा। एल सी एम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो इनमें तीनों में दो की सबसे बड़ी घात क्या है, दो की घात तीन, तीन की सबसे बड़ी घात दो, पांच की सबसे बड़ी घात एक। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो दो दून चार, चार दूनी आठ, ये होगा तीन तीन नौ और ये पाँच, तो ये नौ पंजे पैंतालीस, पैंतालीस गुणा आठ करेंगे तो कितना होगा, तीन सौ साठ, ये क्या हो जाएगा इसका एल सी एम हो जाएगा। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास में पी एक्स ये है, जी एक्स ये है, इसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दो का भाग देंगे हम किसमें, एक्स घात तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन। देखो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, तो यहाँ पर होगा x, इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, x घात तीन माइनस दो एक्स, तो माइनस का दो एक्स यहाँ लिखेंगे, चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस तीन एक्स स्क्वायर और ये जुड़कर प्लस के सात एक्स माइनस तीन। अब इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस तीन बार जाएगा, माइनस तीन से पूरी संख्या गुणा करेंगे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस का छः, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे ये प्लस ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस के सात एक्स और माइनस के नौ, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर भागफल, भागफल होता है हमारा क्यू एक्स, तो यहाँ पर क्यू एक्स निकल के आता है एक्स माइनस तीन और शेषफल होता है आर एक्स, आर एक्स निकल के आता है माइनस सात एक्स माइनस नौ, ठीक है। ये पाँचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें इनके गुणांक समान बनाने होंगे, तो हम पहले वाले समीकरण है ना उसको तीन से गुणा कर देते हैं, तो करते हैं देखो, फिर से लिखते हैं हम इसको, तीन एक्स प्लस तीन वाई बराबर पाँच दिया पंद्रह, नीचे वाले को गुणा कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर चार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, तीन वाई प्लस का तीन वाई माइनस का कट गए, यहाँ पर बचेंगे हमारे पास में पाँच एक्स बराबर ये हो जाएंगे उन्नीस, ठीक है। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उन्नीस बटे पाँच, तो ये तो एक्स का मान हो गया। अब वाई का मान निकालने के लिए एक नंबर समीकरण में रख देंगे, तो उन्नीस बटे पाँच प्लस वाई बराबर पाँच, तो वाई बराबर क्या होगा, पाँच माइनस उन्नीस बटे पाँच, नीचे एक मान कर लोगे तो हम लेंगे तो पाँच पचम पच्चीस माइनस उन्नीस, तो कितने बचे, छः बटे पाँच, ये वाई का मान हो गया, ठीक है। तो ये हो गए इसके विलोपन विधि से हल। सातवां प्रश्न देखिए, समीकरण x माइनस एक बटे एक्स बराबर तीन, एक्स बराबर नहीं है तीन के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल ज्ञात करने के लिए पहले नीचे एक मान कर हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम x लघुतम लिया, x से x गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक से एक गुणा किया तो एक बराबर तीन, नीचे एक मान कर फिर से वज्र गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर तीन एक्स, इस तीन को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस एक बराबर जीरो, ठीक है। मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती समीकरण का सूत्र उपयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे दो ए, ठीक है। तो माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर, माइनस का तीन, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस तीन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान एक है और सी का मान माइनस एक है, बटे दो गुणा एक, हल करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस का तीन हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट के अंदर नौ और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चार एकम चार बटे दो, हल करने पर आगे आएगा तीन प्लस माइनस अंडर रूट तेरह बटे दो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स के दो मान होंगे, एक तो तीन प्लस अंडर रूट तेरह बटे दो और दूसरा होगा तीन माइनस अंडर रूट तेरह बटे दो, ये दो इसके मूल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जैसे सवाल बोल रहा है ना वैसे क्या होगा, एक दीवार है इस तरह से
और यहाँ पर इस तरह से तिरछी एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। 10 मीटर इसकी लंबाई है और 8 मीटर इस दीवार की ऊंचाई है। हमको ये दूरी निकालनी है x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे आधार। आधार बराबर होगा अंडर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कर्ण हमारे पास में 10 का वर्ग माइनस लंब है यहाँ पर 8 का वर्ग, मतलब 8 का 10 का वर्ग 100 होगा माइनस 8 का वर्ग 64 होगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 6 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास में ये एक्स आ गया 6 मीटर। नवा प्रश्न देखो, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए तथा टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इसको इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके करें और एक डायरेक्ट होता है ना। तो हम देखो इस तरीके से करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बना दिया। अब देखो यहाँ पर हम ये इसको लिख देते हैं थीटा, ठीक है। थीटा मतलब इसको ए, ये बी और ये सी। तो साइन ए बराबर 3/5, मतलब लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो लंब क्या है इसमें 3 और ये कर्ण। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आधार ए बी बराबर इसी तरह से जैसे ये सूत्र है ना, बिल्कुल इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। कर्ण यहाँ पर है 5 का स्क्वायर माइनस आधार है 3 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4 निकलेगा ए बी बराबर। तो यहाँ पर ये 4 निकल के आया, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ पर कोस थीटा निकालना है। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर 4, कर्ण है 5, ठीक है। टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार एल बटे ए, लंब क्या है यहाँ पर 3, आधार क्या है 5, नहीं आधार है 4, लंब है 3 और आधार है 4, 3/4। तो ये सवाल हो गया नवा। दसवां प्रश्न देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर हमको परिधि दे रखी है। परिधि मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यहाँ पर दे रखा है हमको 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। r निकालेंगे तो 22/2π, 22/2π का मान 22/7, तो 7 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, 22 से 22 कट जाएगा, r का मान निकल के आएगा 7/2 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4, चतुर्थांश है ना इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 का स्क्वायर। तो देखो 1/4 22/7, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4। देखो 7 से ये 7 बार कट गया, ठीक है, और इससे ये 11 बार कट गया, तो ऊपर बचेगा 11 7 77 और नीचे क्या बचेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 11वां सवाल देखो, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों वस्तुओं का आयतन समान होगा, मतलब बेलन का आयतन होगा किसके बराबर, गोले के आयतन के बराबर, गोले का आयतन बराबर होगा। अब दोनों कंडीशन में देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर गोले का आयतन सूत्र क्या होगा, 4/3 πr³, ये सूत्र होगा। दोनों सूत्र रख दिए हमने, अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं हमारे पास में वो हम रख देते हैं। सबसे पहले तो पाई से पाई काट देते हैं, चीज़ें हल्की हो जाएंगी, है ना। एच का मान निकालना है इसलिए 4 r³ 3
ये आर स्क्वायर को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यू रखता हूँ इसमें चार, आर का मान क्या है, आर क्या मान है हमने यहाँ पर गोले की त्रिज्या 4.2 की घात 3 बटे 3, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। आगे मैं इसको हल करता हूँ तो h बराबर क्या होगा, 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 तीन बार घात है इसलिए, और 3 × 6 × 6। तो देखो 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6 से कटेगा 6×7 = 42, 0.7 बार। इस तरह से ये 6 से ये 0.7 बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 से कितने बार कटेगा, 1.4 बार, 34 है ना। अब ऊपर की संख्याओं को गुणा कर लेते हैं तो ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो देखो हम इसको गुणा करेंगे 4 × 1.4 = 54, 5.6 बराबर, 7 × 7 करेंगे तो क्या होगा, गुणा 0.49। तो 0.49 को हम 5.6 से गुणा करेंगे, मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा एक बार में, 56 × 49, 9×6 = 54, असल की 5, 9×5 = 45 और 5 = 50, 4×6 = 24, असल की 2, 4×5 = 20 और 2 = 22, 4, 4, 7, 2। यहाँ पर 1, 2, 3 संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे तो 2.744 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होंगे, एक पास से उछालने पर 6 परिणाम आ सकते हैं, तो दो बार उछालने पर 6×2 मतलब 36 होंगे, कुल परिणाम तो 36 होंगे, ठीक है। अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, अनुकूल परिणाम देखो योग 5 होना चाहिए, मतलब योग 5 कब होगा, 4 और 1 आने पर 5 होगा, या फिर 1 और 4 आने पर, उसके अलावा 2 या 3 आने पर 5 होगा, और 3 और 5 आने पर, इसके अलावा और कोई परिणाम निकलता नहीं है, मतलब कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 4। यहाँ पर 5 आने की प्रायिकता, योग 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे पास में 4, कुल परिणाम है 36, 4 का भाग देंगे 4×1 = 4 और 9×6 = 36, तो हमारे पास में 1/9 इसका उत्तर आ जाता है। तो यहाँ से खंड सह शुरू होता है और इस खंड सह के सभी प्रश्नों, सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 13वां प्रश्न, 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहली संख्या ए बराबर क्या होगी, 1, डी का मान क्या होगा, दूसरी संख्या होगी 3, 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अंतिम पद, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सभी विषम संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पर 50 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 25, मतलब n का मान होगा 25, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 50 पदों का योगफल निकालना है, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a + n-1d, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको s 25 निकालना है, तो 25/2, 2×1 + 25 - 1, d का मान क्या होगा यहाँ पर 2, हल करेंगे तो 25/2, 2 प्लस इसको हल करने पर 2 प्लस यहाँ पर 24, 24×2 = 48, 48 और 2 50, 25/2 × यहाँ पर हो जाएंगे 50, 50 में 2 का भाग दिया तो 25 बार जाएगा, 25×25 करेंगे तो 625, मतलब 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा, 625। ये हमारा 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण बनाती है। देखिए मेरे पास यहाँ पर स्केल तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि मैं एक वृत्त बना रहा हूँ जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या
5 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। यहां पर इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में अगर 60 डिग्री का कोण होगा तो यहां पर हमको 180 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 120 डिग्री। तो यहां से मैं 120 डिग्री कोण बनाऊंगा इस तरह से, एक चाप भरा, यहां पर एक चाप लगाऊंगा, फिर दूसरा चाप लगाऊंगा। दूसरा चाप लगाने पर हमको एक इस तरह से ये चाप आएगा, इसको मैं मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूं ओ, इसको नाम देता हूं ए और इसको नाम देता हूं बी। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहां पर होगा हमारा कोण 120 डिग्री। अब मैं यहां पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, यहां पर इसको रखूंगा और यहां से इस तरह से चाप भरूंगा, फिर यहां पर प्रकार नोक रखकर एक बार चाप लगाऊंगा, फिर दूसरी बार चाप लगाऊंगा, फिर यहां पर रखकर मैं इस तरह से एक चाप यहां लगाऊंगा, एक चाप यहां लगाऊंगा, फिर इसको मैं मिलाते हुए इस तरह से आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसा सेम काम बिल्कुल ऐसे कैसे, ये एक बार यहां, एक बार यहां, यहां रखकर मैं इस तरह से ये लगाऊंगा और यहां रखकर मैं इस तरह से ये लगाऊंगा। तो ये दोनों बिंदु जहां पर मिलेंगे इस तरह से आगे मैं बढ़ाऊंगा, इन दोनों को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु आएगा, है ना, तो इसको मैं नाम बिंदु सी नाम दे दूंगा और यहां पर जो कोण बनेगा वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमें ये दो दो स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई। रचना करने के लिए यहाँ पर बोला नहीं है, अगर होता तो हमने ये जो काम किया है उसको हम पॉइंट बनाकर एक एक करके लिखते, ठीक है। ये हमारा 14वां सवाल हो गया। देखिए 15वां सवाल, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए हमें दो सवाल दे रखे हैं, एक तो ये सवाल है और अथवा में इसके ये दे रखा है, आप दोनों में से एक करना है। मैं दोनों ही करके बताता हूँ आपको, आपको जो अच्छा लगे वो आपने किया होगा, ठीक है। तो पहले हम LHS लेकर चलते हैं। LHS ये है, ये वाली संख्या एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए। इस संख्या को मैं परिमेयकरण कर देता हूँ। परिमेयकरण मतलब निचले वाली संख्या यूँ की हो और इसका विपरीत चिन्ह लेकर मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यह हो जाएगा एक प्लस साइन ए बटे एक प्लस साइन ए। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तक ले लेता हूँ इसको, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर तो बचेगा ये सीधा सीधा एक प्लस साइन ए और नीचे बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। और कोस स्क्वायर ए का, एक मिनट इसको मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। अब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो निकल जाएगा वन प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब देखो मैं एक में कोस का भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा, सेक ए प्लस साइन में कोस का भाग दूंगा तो निकल के आएगा टेन ए। और यही हमारा आर एच एस है, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये तो हमारा जो पहला वाला भाग हो गया। अब अगर इसमें अथवा करें तो अथवा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से लघुतम लेंगे। यहाँ पर लघुतम आएगा LHS लेकर, LHS में लघुतम ले रहा हूँ मैं सीधे, ना साइन ए और यहाँ पर होगा कोस ए। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए प्लस इसको खोलूंगा एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, नीचे एक प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो ये संख्या और ये संख्या मिलकर क्या हो जाता है, एक हो जाएगा प्लस एक प्लस टू साइन ए और यहां पे होगा वन प्लस साइन ए कोस ए। अब मैं क्या करता हूं, ये एक और एक हो जाते हैं दो, तो मैं यहां पर दो लघुतम कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा एक प्लस साइन ए और नीचे बचेगा एक प्लस साइन ए और कोस ए। तो कोष्टक के अंदर ही संख्या समान है इसलिए मैं इनको काट देता हूं, तो हमारे पास में बचेगा दो बटे कोस ए। अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूं तो ये कोस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेक ए, तो दो सेक ए। ये हमारा क्या है, आरएचएस वाला पद है और ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। दोनों भाग मैंने कर दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आपने वो किया होगा और आप जो आपने किया उसको आप मिला लीजिए आपका सही था या गलत था, ठीक है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं आप।
16वां सवाल देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक तरफ व्यय दे रखा है, एक तरफ परिवारों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए हमारे पास में एक बहुत शानदार सा सूत्र होता है, बहुलक होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये सूत्र होता है। यहाँ पर एल एल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यहाँ पर ये नहीं, 40 सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 40 सबसे बड़ी संख्या है और इसके आसपास ये संख्याएं हैं, इनसे मिलकर ये पूरा सवाल होगा। तो L देखो यहाँ पर 1500 प्लस F1 क्या होगा 40 है, माइनस F0 उससे ऊपर वाली संख्या 2×40 माइनस F0 40 माइनस F2 इससे नीचे वाली संख्या 33 गुणा H, इन दोनों का अंतर कितना होगा 500। अब हल करो, 1500 प्लस यहाँ पर बचेंगे 16 गुणा 500, यहाँ पर बचेंगे 40×80, 80 में से 24 और 33 कितने हो गए 7, 5, 80 में से 57 गए तो कितने बचेंगे 33, 80 में से 57 गए तो 33 बचेंगे, तेईस बचेंगे। अब देखो यहां पर 1500 प्लस 16×80 और 2 0 यो की यों बटे 23, तो 1500 प्लस 23 का भाग देंगे, 23×43 बचे 11, उतार ली 0 है ना, तो 23 चौक 94, 5 गुणा करके देख लेते हैं, 23×5, 5×3 15 सल की 1, 5×10 11, 115 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 4 बारी देना पड़ेगा है ना, 23 चौक 94 तो 110 में से 92 गए तो कितने बचेंगे 8 और 10 18 बचेंगे, फिर 1 0 और उतारेंगे 180 हो गए, ठीक है। अब 23 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 23 का भाग जाएगा लगभग 7 बार, ठीक है, तो 23×7 तो 7×21 असल की 2, 7×14 और 2 16, 161 सात बार देने पर 161, ठीक है। कितना बचे यहाँ पर से घटाएंगे तो 19 बचेंगे, लगा दिया पॉइंट, ये हो गए 90, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो हम यहाँ तक ही देंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1847.8, ये क्या होगा इसका बहुलक होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा 16वां सवाल। 17वां सवाल, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो इसके दो भाग है, पहला भाग जो ये दे रखा है इसको करेंगे, उसके बाद में जो अथवा वाला है उसको भी हम करेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी या तो पहला करेगा या दूसरा करेगा, दोनों में से एक ही करना है, पहले इसको करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसकी सारणी बनाएंगे, तो सारणी बनाने के लिए x प्लस वाई बराबर 10 लिखेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, x ये 10, ये y इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो अब इसकी सारणी बनाएंगे, सारणी बहुत आसानी से बन जाती है इसकी, देखो कैसे, एक्स वाई यहाँ पर हम y का मान रखते चलेंगे, x का मान अपने आप आएगा, अगर मैं y का मान 5 रख दूँ तो x का मान ही 5 आ जाएगा, अगर मैं 6 रख दूँ तो y का मान 4 आ जाएगा, नहीं x का मान 4 आ जाएगा, अगर मैं y का मान 4 रख दूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। दूसरा देखो, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो x को मैं यही रखता हूँ, बाकी दोनों को इधर भेज देता हूँ, तो y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी सारणी बनाता हूँ, देखो बिल्कुल जैसे वहाँ पर बनाई है वैसे ही, x और y का मान मैं रखता चलूँगा, ठीक है, y का मान अगर मान लीजिए मैं y का मान रख देता हूँ 5, तो x का मान क्या बचेगा 5 माइनस 4 1 बचेगा, अगर मैं इसका मान 6 रख देता हूँ तो क्या होगा 6 माइनस 4 2 बचेंगे, अगर मैं इसका मान क्या रखूँ 4 ही रख देता हूँ तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारी सारणी बन गई है, ठीक है, सारे मान प्लस में है इसलिए मैं इसका ग्राफ इस तरह से बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जो धनात्मक अक्ष है उनको मैं बड़ा बनाता हूँ और जो ऋणात्मक अक्ष है उनको मैं छोटा बनाऊँगा, तो ये x डैश ये y डैश छोटे हैं,
ये एक्स नहीं, ये वाई है ऊपर और नीचे एक्स है, ये जीरो है। यहाँ पर एक्स में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में 6 है, इसलिए हम 6 एक दो तीन चार पाँच 6। वाई में सबसे बड़ी संख्या भी हमारे पास में 6 ही है, तो एक दो तीन चार पाँच और ये 6, ठीक है, ये हमने बराबर के ये खींच लिए। यहाँ पर हम पैमाना लिखेंगे, पैमाना, पैमाना क्या होगा, एक्स तथा वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ये दोनों अक्षों पर ये है, ठीक है। अब हम इसके मान रखते हैं, देखो पांच पांच, सबसे पहले हम पांच पांच रखेंगे, तो पांच ये रहा और पांच ऊपर की तरफ जाने पर इस सिद्ध में आएगा, इस सिद्ध में। दूसरा आएगा चार छः, चार एक्स पे और वाई का मान इस सिद्ध में ये आएगा, ठीक है। तीसरा छः चार, छः इस सिद्ध में, चार की इस सिद्ध में, तीनों को मिलाएंगे तो ये मिलाने पर बिल्कुल सीधी रेखा में आनी चाहिए, तो हमारा ये जो बिंदु है ये हमने ठीक से नहीं बनाया, ये बिंदु आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो रेखा है ना इसका समीकरण में यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 10। दूसरा एक पाँच, एक ये रहा पाँच इस सिद्ध में ये रहा। दूसरा दो छः, दो छः इसी की सिद्ध में ये रहा। तीसरा तीसरा हमारा जीरो चार, जीरो चार ये रहा, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाएंगे बिल्कुल सीधा तो ये इस तरह से जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो ये आएगा सात, ठीक है, और ये किसकी सिद्ध में है, तीन की सिद्ध में। तो यहाँ पर हमारा x का मान तो होगा तीन और y का मान होगा सात, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ही इसके उत्तर होंगे, मतलब तीन और सात, ठीक है। ये तो हमारा पहला वाला भाग हो गया, अब इसका अथवा वाला भाग हम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसका वो बनाते हैं, सारणी बनाते हैं पहले वाले समीकरण का, तो चार एक्स प्लस दो वाई बराबर चार, दो वाई को यहीं रख लेते हैं, चार माइनस चार एक्स, तो वाई बराबर चार कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर होगा एक माइनस एक्स और ये दो नीचे भेज देता हूँ मैं, तो दो से दो बार कट जाएगा, तो दो एक माइनस एक्स, ये वाई का मान हो गया, ठीक है। तो अब इसकी सारणी बनाते हैं, देखो कैसे बनेगी, एक्स और वाई, यहाँ पर क्या होगा, एक्स का मैं मान रखूँगा और वाई का मान अपने आप आता चला जाएगा, तो मैं एक्स का सबसे पहले मान रख देता हूँ एक, तो वाई का मान एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, जीरो को दो से गुणा करने पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स का मान जीरो रख दूँ तो एक माइनस जीरो एक ही होगा, एक को दो से गुणा करेंगे तो दो, अगर मैं एक्स का मान दो रख दूँ तो यहाँ पर होगा माइनस का एक, माइनस एक को दो से गुणा करेंगे तो माइनस का दो, ये तो हो गया हमारा पहला वाला। अब यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, तो यहाँ पर दो एक्स प्लस वाई बराबर होता है छः, तो वाई बराबर छः माइनस दो एक्स, इसकी सारणी मैं यहाँ पर बना देता हूँ साथ साथ में ही, ठीक है। तो एक्स वाई, मैं यहाँ पर एक्स का मान रखता चला जाऊँगा और वाई का मान आता चला जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एक्स का मान रख देता हूँ तीन, तो तीन दूनी छः, छः माइनस ये हो जाएगा जीरो, अगर मैं रख देता हूँ दो, तो दो दूनी चार, छः में से चार गए तो दो, ठीक है। अगर मैं रख देता हूँ, हाँ क्या रखूँ, तीन रख देता हूँ, नहीं तीन तो रख दिया ना, एक रख देता हूँ यहाँ पर, तो दो एकम दो, छः में से दो गए तो चार बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि ये जो दोनों रेखाओं का समीकरण आएंगे वो एक दूसरे के समांतर आएंगे, तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, अक्ष बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ये जीरो, ये एक्स, नीचे इधर की तरफ एक्स डैश, ये वाई और नीचे वाई डैश, सबसे बड़ी संख्या क्या है दोनों में, तीन ही है, ठीक है। तो एक्स की तरफ एक दो तीन, और माइनस में नहीं है, तो मैं एक लिख देता हूँ माइनस में। वाई का मान ऊपर की ओर एक दो तीन चार लिख लेता हूँ, और नीचे की ओर माइनस का दो तक है, तो माइनस का एक और माइनस का दो,
ठीक है, ये मैंने लिख लिया है इस तरह से। अब मैं इनको यहां पर दिखाता हूं, तो एक जीरो, एक जीरो ये रहा, जीरो दो, जीरो दो ये रहा, तीसरा है दो माइनस दो, दो माइनस दो इस सिद्ध में। तो इन तीनों को मिलाता हूं बिल्कुल सीधा, तो इस तरह से मिलता चला जाएगा ये, ठीक है। इसका समीकरण लिख देता हूं मैं, चार एक्स प्लस दो वाई बराबर चार। दूसरा देखो, तीन जीरो, तीन जीरो, दो दो, दो और दो, ये आ गया। तीसरा एक चार, एक चार, इन तीनों को मैं मिलाता हूं तो कुछ इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। ये रेखाएं दोनों देखने में एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे रेखाएं समांतर। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगी, तो इनके हल निकलेंगे ही नहीं। इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। ये हमारे दोनों सवाल हो गए 17वें के। 18वां सवाल देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहां पर दो भाग हैं, पहला है और दूसरा है अथवा में, आपको दोनों में से एक करना है, मैं ये दोनों करवा देता हूं। तो पहला करते हैं सबसे पहले, यहां पर एक तरफ मासिक खपत दे रखी है, दूसरी तरफ उपभोक्ता की संख्या दे रखी है, ठीक है। आपको यहां पर हल करने के लिए देखो, ये एफ का मान है तो हमको सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ मतलब संचयी बारंबारता। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे चार है, चार, चार में पांच जोड़ेंगे तो नौ, नौ में तेरह जोड़ेंगे तो कितने होंगे बाईस, बाईस में बीस जोड़ेंगे तो बयालीस, बयालीस में चौदह जोड़ेंगे तो छप्पन, छप्पन में आठ जोड़ेंगे तो चौंसठ, चौंसठ में चार जोड़ेंगे तो अड़सठ। मतलब एन का मान आ गया हमारे पास में अड़सठ, तो एन बाई टू का मान कितना होगा, अड़सठ का आधा कितना होगा चौंतीस। मतलब चौंतीस से जस्ट बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर, ये संख्या है, ठीक है। तो अब हमको निकालने क्या है, माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। तो देखो यहां पर एल क्या है, एल है यहां पर 125 प्लस एन वाई टू चौंतीस है, माइनस सी एफ, इससे जस्ट पहले वाली सी एफ है 22, एफ का मान क्या है 20 गुणा एच, एच इन दोनों का अंतर 20 है। देखो 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 गया तो कितने बचे 12, और ये तो कट ही जाएंगे 12 गुणा एक करेंगे तो, अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 137। तो ये इसका माध्यक निकल के आया है। अब इसका हम अथवा वाला भाग करते हैं। यहाँ देखिए, देखिए 18वां का जो दूसरा भाग है, मतलब अथवा वाला भाग है, वो यहाँ पर एक तरफ संख्या दे रखी है, एक तरफ कुल नामों की संख्या दे रखी है, और उक्त बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको माध्य ज्ञात करना था, पिछले वाले में माध्यक था, यहाँ पर माध्य है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक वर्ग दे रखा है, वर्ग का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान, माध्यमान क्या होता है, एक्स होता है, एक्स क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर दो का भाग देंगे। तो यहाँ पर चार और एक जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा, मतलब पाँच बटे दो, पाँच में दो का भाग देंगे तो क्या होगा 2.5। इस तरह से सात और चार ग्यारह, ग्यारह में हम दो का भाग देंगे तो कितना होगा 5.5। इस तरह से दस और सात सत्रह में हम दो का भाग देंगे तो 8.5। इस तरह से दस और तेरह तेईस, तेईस में हम दो का भाग देंगे तो 12.5। इस तरह से सोलह और तेईस, ये कितने हुए 39, 39 में हम दो का भाग देंगे तो क्या होगा 19.5। आगे 19 और 16, 19 और 16 हो जाते हैं 35। एक मिनट, यहां पर मिस्टेक हो गई हमारी। यहां देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 14.5। इस तरह से ये होगा 17.5, ठीक है। मतलब तीन तीन का अंतर चलता ही जा रहा है इन सभी में। अब ये तो माध्यमान हो गया, अब यहाँ पर हम किस विधि से करें इसको, हमारे पास में बहुत सारी विधि होती है। तो बहुत सारी विधि देखो, यहाँ पर हमारे पास में कितनी संख्या, एक दो तीन चार पाँच छः, छः विधि हैं। आप चाहे तो इसको कल्पित माध्य से कर सकते हैं। कल्पित माध्य से करने के लिए ए बराबर हम कोई संख्या मानेंगे, तो यहाँ पर हम ए बराबर 12.5 मान लेते हैं, या फिर यहाँ पर मान लेते हैं, हाँ सही 12.5 मान लेते हैं ए बराबर।
अब हमको यहां पर डिफरेंस निकालना होगा, डिफरेंस बराबर होगा एक्स माइनस ए, मतलब इसमें से उस संख्या को घटाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 10, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा माइनस का 7, ठीक है, यहां पर क्या बचेगा माइनस का, देखो 12 में से यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा 0, यहां पर क्या बचेगा, देखो इस 14.5 में से 12.5 घटेगा तो 2 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर 17 में के 12 गए तो 5 बचेगा, तो इस तरह से ये संख्या बची है। अब हमको क्या निकालना है, हमको लास्ट में निकालना है एफ गुणा डी, एफ डी, तो एफ को डी से करेंगे, हमारे पास में सारी संख्याएं ये हैं और डी ये है, तो 6 गुणा 10 करेंगे तो माइनस के 60, 7 गुणा 30 करेंगे तो 7×21 माइनस के 210, यहाँ पर 40 गुणा 4 करेंगे तो माइनस के 160, 0 गुणा 16 करेंगे तो 0, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, 4 गुणा 5 करेंगे तो 20, है ना। अब देखो यहाँ पर हमको सिग्मा एफ डी करना है, सिग्मा एफ डी मतलब 28 तो इन संख्याओं की योग हो जाएगा, इनको जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर होगा देखो 22 और 21 किस गुना 42 43, मतलब 430, 430 तो माइनस के हैं और 28 प्लस के हैं तो 402 निकल के आते हैं माइनस के, मतलब माइनस के 402। अब यहाँ पर हमको माध्य निकालना है, माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है, और यहाँ पर जो ए लिया है हमने इसको पहले जोड़ दो या फिर बाद में जोड़ दो, तो देखो मैं सही लिख देता हूँ इसको, एक्स बार बराबर ए प्लस, इस तरह से, तो ए प्लस, ए का मान हमने क्या लिया था 12.5 लिया था यहाँ पर, 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया माइनस का 402 बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ अभी हमने जोड़ा नहीं है, जोड़ लेते हैं 30 और 4 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, यहाँ पर इन सबका योग 100 हो जाता है सिग्मा एफ बराबर, तो यहाँ पर हम इसमें 100 का भाग देंगे तो कितना होगा 12.5 माइनस 100 का भाग देने पर आएगा ये 4.02, ठीक है। अब देखो अब इसमें से घटाएंगे, घटाने पर कैसे, देखो 12.5 में से 5 जीरो, यहाँ 0 2 और यहाँ पर 4, तो देखो यहाँ पर होगा 48, ठीक है, और यहाँ पर 8.48, ये इसका माध्य निकल के आया है, ठीक है। तो ये हमारा 18वें का अथवा सवाल हो गया, अब हम 19वां सवाल करते हैं। 19वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो कुछ स्टूडेंट इस सवाल को ऐसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा कठिन लगता है ना, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है ये, आप देखिए इसको कैसे करना है, हल करते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या बनेंगे, 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे, आप इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान रखें, सिद्ध करना है इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा क्या है यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इनका योग किसके बराबर होगा, इसके विकर्णों के योग के बराबर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। अब चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ए, ये ओ है और ये डी है, ए ओ डी, ए ओ डी क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यहां पर ए डी मतलब कर्ण का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, एक नंबर, ठीक है। इसी प्रकार
इसी प्रकार बहुत सारे त्रिभुज हैं, जैसे ये वाला सीओडी, सीओडी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज सीओडी में सी डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, दो नंबर। त्रिभुज बी ओ सी में बी सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तीन नंबर। इस तरह से त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी में ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, चार नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम समीकरण एक दो तीन और चार को जोड़ देते हैं। समीकरण एक दो तीन व चार को जोड़ने पर हमारे पास में एक तरफ आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर। दूसरे वाक्य क्या है हमारे पास में, देखो ओ डी स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी है, मतलब सारी चीज दो दो हो जाएंगे, तो मैं इसको एक साथ ले देता हूं, दो ओ ए स्क्वायर प्लस दो ओ बी स्क्वायर प्लस दो ओ सी स्क्वायर प्लस दो ओ डी स्क्वायर, तो मैंने दो तो कॉमन ले लिया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो ओ ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बटे दो ए सी के बराबर लिख सकता हूं मैं, तो देखो दो को तो मैं यही रहने देता हूं, ओ ए को लिख देता हूं मैं ए सी बटे दो, ए सी बटे दो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ओ बी, ओ बी को लिख देता हूं मैं बी डी बटे दो, बी डी बटे दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस ओ सी, ओ सी को लिख देता हूं मैं ए सी बटे दो, ए सी बटे दो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ओ डी, ओ डी को लिख देता हूं मैं बी डी बटे दो, बी डी बटे दो, और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर यहां पर लगा देता हूं, तो दो। ठीक है, यहां पर देखो ए सी स्क्वायर बटे चार प्लस बी डी स्क्वायर बटे चार प्लस ए सी स्क्वायर बटे चार प्लस बी डी स्क्वायर बटे चार, जब हम जोड़ेंगे इनको तो दो, चार नीचे कॉमन आ गया, तो हमारे पास में दो ए सी स्क्वायर होंगे प्लस दो बी डी स्क्वायर होंगे, मैं दो फिर से कॉमन ले लेता हूं, तो दो गुणा दो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और नीचे चार है, अगर मैं चार से इनको काटता हूं तो कट जाता है, हमारे पास में बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमारे पास में एक तरफ ये चल रहा था। अगर मैं इसको फिर से यहां पर सही जमा कर लिखना चाहूं तो मैं इनको क्रम से लिख देता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यही चीज हमको यहां पर सिद्ध करनी थी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये, पता नहीं स्टूडेंट क्यों इसको कठिन बता रहे थे। अब इसका एक सवाल और है जो इसका अथवा वाला भाग है, उसको भी करते हैं। 19 का अथवा प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो दर्शाना क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करते हैं। रचना हम क्या करते हैं, यहां से एक डी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं यहां पर, है ना, तो इसको नाम देता हूं मैं ई, मतलब ओ ई, ओ से डी सी समांतर ओ ई खींची, एक रेखा खींच देता हूं मैं। ठीक है, ये तो हमारी रचना हो गई। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो मैं यहां से सीधे उत्पत्ति करता हूं इसकी। यहां पर देखो त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में यहां पर हमको डी सी समांतर ओ ई दिया हुआ है, तो यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा,
डी ओ बटे बी ओ बराबर सी ई बटे बी ई। ठीक है, अगर मैं इसको पलटना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ओ बटे डी ओ बराबर बी ई बटे सी ई। एक नंबर हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। दो नंबर समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, एक एक में बी ओ बटे डी ओ है, एक में बी ओ बटे डी ओ है, तो इन दोनों के बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये वाले भी भाग भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ए ओ बटे सी ओ बराबर इसमें क्या हो जाएगा बी ई बटे सी ई, बी ई बटे सी ई। ठीक है, अब देखो इस अनुपात से देखते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ई बटे सी ई, तो यहां पर हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, मतलब OE समांतर AB। अब देखो यहां पर एक चीज ये और एक ये, अब यहां पर इस चीज को मैं यहां पर ले देता हूं तो DC समांतर OE, मतलब OE के समांतर AB है और DC भी है, अतः क्या हो जाएगा AB समांतर DC। जब AB और DC समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की खासियत यह होती है कि उसमें एक जोड़ा भुजाओं का समांतर होता है। ठीक है, और ये चीज हमको सिद्ध करनी थी और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये हमारा हाफ ईयरली का पेपर के सारे 19 क्वेश्चन हम अथवा सहित कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे एक बात और कहनी थी कि आप इन प्रश्नों के साथ में आप जो परीक्षा में आप कॉपी में लिख के आए हैं उन उत्तरों को मिला लीजिए, आपको आपका एक्चुअल रिजल्ट पता लग जाएगा, उसके अनुसार ही आप आगे की तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, धन्यवाद।